दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर के बारे में जिसकी आजकल दुनिया भर में धूम मची हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान के बारे में। मोहम्मद रिजवान एक राइट हैंडेड बैट्समैन और विकेट कीपर हैं। इन्होंने टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में कई सारी सेंचुरीज बनाई हुई हैं। आज मोहम्मद रिजवान जिस मुकाम पर है ये खुद उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है, उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान का लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इन्होंने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। मोहम्मद रिजवान का रियल नेम मोहम्मद रिजवान है और निकनेम रिजवान है। प्रोफेशन से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। मोहम्मद रिजवान का जन्म 2 जून 1992 को पिशावर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुआ और 2021 के हिसाब से 29 ईयर्स के हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में। मोहम्मद रिजवान 2014 में कायदे आजम ट्रॉफी के फिनाले में नॉर्दर्न स्वीगेस पाइपलाइन लिमिटेड के लिए खेले थे, जिसमें इन्होंने 224 रन बनाकर नॉर्दर्न स्वीगेस को पहली बार 300 रन बनाने और दूसरी बार खिताब दिलवाने में मदद की। मोहम्मद रिजवान अप्रैल 2018 को पाकिस्तान कप के लिए पंजाब स्क्वाड के वाइस कैप्टन बने और फिर मई 2018 में इन्होंने फेडरल एरियाज के खिलाफ 123 बॉल में 140 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, और उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मई 2019 में रिजवान को 2019 पाकिस्तान कप के लिए फेडरल एरियाज स्क्वाड का कैप्टन बना दिया गया, और फिर अक्टूबर 2019 में रिजवान को 215 रन बनाने और 6 विकेट लेने के लिए 2020 नेशनल T20 कप टूर्नामेंट में बेहतरीन खिलाड़ी नामित किया गया था। फेब 2021 में मुल्तान सुल्तान ने PSL 6 में शान मकसूद की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया गया और जून 2021 में रिजवान को टूर्नामेंट के विकेट कीपर से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के इंटरनेशनल करियर के बारे में। रिजवान ने अपना वनडे इंटरनेशनल ODI डेब्यू 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ किया, जिसमें इन्होंने 58 बॉल्स में 67 रन बनाए थे, और दोस्तों इन्होंने इसी सीरीज में अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, और फिर नवंबर 2016 में रिजवान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी पहली टेस्ट इनिंग में गोल्डन डक पे आउट हुए, मतलब के जीरो पे आउट हो गए, और फिर मार्च 2019 में रिजवान ने अपनी दूसरी ODI मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रिजवान ने 115 रन बनाकर अपनी पहली सेंचुरी बनाई। दोस्तों मोहम्मद रिजवान आज तक 17 टेस्ट मैचेस, 41 ODI और 44 T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। रिजवान ने अपनी शानदार बैटिंग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कई सारी मैचेस जितवाई हैं। तीसरी T20 इंटरनेशनल के दौरान रिजवान ने बाबर आजम के साथ शुरुआती विकेट के लिए 197 रन की पार्टनरशिप की, जो कि T20 क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए पाकिस्तान के पेयर के लिए हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान 2021 ICC मेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए नामित किया गया था, और हाल ही में 24 अक्टूबर 2021 को मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ओपनिंग करके इंडिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच 10 विकेट से जीत लिया है। दोस्तों मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। मोहम्मद रिजवान मैरिड हैं और अपने परिवार के साथ पिशावर में रहते हैं। 2016 में ये एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट बने और ये खबर उन्होंने खुद ट्विटर के जरिए सभी के साथ शेयर की थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मोहम्मद रिजवान के घर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका पिशावर में अपना एक शानदार घर है और जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनके घर की कुछ झलक। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में, जिनमें इनके पास एक टोयोटा लैंड क्रूजर भी है जिसकी प्राइस 2.5 करोड़ रुपीज है, और सेकंड कार है हुंडा सिविक जिसकी प्राइस 45 लाख रुपीज है, और थर्ड कार है टोयोटा पराडो जिसकी प्राइस 1.70 करोड़ रुपीज है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकी इनकम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद रिजवान हाईएस्ट पेड पाकिस्तानी क्रिकेटर में से एक हैं। दोस्तों ये एक टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं और एक ODI मैच खेलने के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए 8 लाख रुपए लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PSL के एक सीजन खेलने के लिए 1.5 करोड़ रुपीज चार्ज करते हैं। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों ये थी मोहम्मद रिजवान की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप मोहम्मद रिजवान के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी की लाइफ स्टाइल पे चाहते हैं।